आजकल दोस्तों भेड़ें ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में हल्का हल्का ठंड होने लगी है और कई बार बर्फ भी पड़ जाती है। मैं दिखा हाँ जी दोस्तों, सुबह के बजे हैं 11 और यहाँ पर एप्पल काटा जा रहा है, यानी कि सेब काटा जा रहा है, पहाड़ी सेब। हमारे यहाँ पर सेब तैयार हो चुके हैं और अब ज़्यादातर यहाँ पर हमारे यहाँ पे सब्जी बनेगी सेब की, चटनी बनेगी सेब की और सैलेड होगा सेब का, सब कुछ सेब का ही चलेगा कुछ दिनों तक। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य व्लॉग्स। दोस्तों अभी नेशनल हाईवे 21 मनाली चंडीगढ़ पे हूँ, मैं भी बैठा हुआ। कोई काम काज नहीं है, बस कुछ टेस्टिंग चली है गाड़ी की। कुछ दिनों से इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो फैन होता है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए अब हो गया। तो टूना सा हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल दोस्तों भेड़ें ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में हल्का हल्का ठंड होने लगी है और कई बार बर्फ भी पड़ जाती है। मैं दिखाता रहता हूँ आपको। तो अब इनका टाइम हो गया है, यानी कि अब ये निचले स्थानों में चली जाएंगी भेड़ें आहिस्ते आहिस्ते, और बहुत सारे झुंड मुझे आज ये मिल रहे हैं गद्दियों के। हाय बू, हाय करो, हाय। बस तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया देखिए। और आज एक ट्रेजेडी हो गई थी आज मेरे साथ, एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी कुछ ऐसे कि जैसे मैं घर आ रहा था, अभी गाड़ी से घर आ रहे थे हम लोग, मैं यानी कि फिर से इज्जत दे रहा हूँ मैं खुद को, तो मेरा जो फोन है वो गिर गया था। पता भी नहीं चला, फोन गिर गया गाड़ी की सीट के नीचे बैठ गया जाके। और मैं घर आकर पार्किंग के पास जैसे मैंने सामान निकाला, कुछ सब्जी वगैरह भी लाई थी मैं, मतलब शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत, तो सारा कुछ सामान निकाल के जैसे मैं देख रहा था कि भाई फोन कहाँ है, फोन गायब। तो मुझे लगभग 15-20 मिनट लग गए फोन ढूंढते ढूंढते, फोन का कोई पता नहीं चला। फिर किसी भाई बंधु से मैंने फोन मांगा, उससे अपने फोन पे रिंग मारी, और मेरे फोन में भी एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती कई बार, पहले 2 बार तो फोन ही नहीं हुआ, ऐसा बता रहा था कि नॉट रिचेबल आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई किसी को मिल गया, उसने स्विच ऑफ कर दिया या सिम निकाल दी, कुछ ऐसा हो गया है। फिर बाद में फिर से ट्राई किया मैं, और फिर जाके थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन की बेल बजी है, और तब मुझे जाकर पता चला कि मेरा फ़ोन जो ड्राइविंग सीट होती है उसके नीचे पड़ा हुआ है, और तब जाके जान में जान आई है। और दोस्तों सच बताता हूँ कि खर्चा निकल गया था दोबारा से 50-60 हज़ार का। क्योंकि अब मैं फ़ोन लूँगा तो अच्छा सा फ़ोन लूँगा मैं, जिसमें नेटवर्क इशू ना आए मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहे हैं। नेटवर्क नहीं मिलता कई बार, कॉल ही नहीं मिलती है लोगों की, क्या करें ऐसा है। तो वैसा वैसा है, ऐसी ऐसी घटना घटी है आज। तो ठीक है दोस्तों, अब ऐसा है कि मिलेंगे आपसे कल, आज के लिए बस इतना ही। एक नए ब्लॉग के साथ कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।